नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। ये पाश्चात्य कला और आधुनिक चित्रकला के इतिहास का मेरा दूसरा वीडियो है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस सीरीज़ का, इस वीडियो का मेरा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट है, वो है हिडलबर्ग मानव के जबड़े को प्राचीनतम माना जाता है। तो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मानव का, तो वो कौन सा था? वो हिडलबर्ग जो मानव थे उनका जबड़ा है वो सबसे प्राचीनतम माना गया है, जो लगभग 3 लाख वर्ष प्राचीन है और यूरोप से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम हाथों व पैरों के छाप, हाथों पैरों के छाप के निशान हैं वो किस युग के हैं, तथा काले रेखांकन प्राप्त हुए हैं। जो काले रेखांकन हैं, हाथ पैरों के छाप हैं, वो किस युग के हैं? तो दोस्तों वो हैं अर्गनेशियन या फिर पैरागार्डियन युग के हैं, जो 30,000 वर्ष प्राचीन हैं। आगे है, आकृति के रूप में प्रारंभिक चित्रों में पशुमुंड ही चित्रित हुए हैं। जो सबसे पहले है, संपूर्ण मनुष्य की आकृति है वो नहीं बनाई जाती थी, सिर के स्थान पर किसी न किसी जानवर का सिर है वो ही बनाया जाता था। आगे देखते हैं, घायल वृषभ, ये मरणासन अवस्था में है, ये चित्र है कौन सी गुफा में? ये इम्पोर्टेंट चित्र है दोस्तों, और ये अल्तामिरा गुफा में है, और अल्तामिरा दोस्तों उत्तरी स्पेन में है। और इस चित्र के बारे में कि जो एक घायल जो वृषभ है वो ऐसा है स्थिति में जो शिकारी हैं उनके भालों से बचने के लिए अपने जो सिर को है, गर्दन को है, नीचे किए हुए हैं उस चित्र में। आगे है, उसी के साथ में एक चित्र और है वहाँ पर, कि वृषभ के भागने की स्थिति में, कि भागते हुआ जो वृषभ है उसकी स्थिति में एक अन्य चित्र है, ये अल्तामिरा में है। इस चित्र में दोस्तों जो मनुष्य है, जो शिकारी है, उनके हाथों में भाले दिखाए गए हैं, और एक जो वृषभ है वो आगे भागता हुआ दिखाया गया है। आगे देखते हैं, जो हिमयुगीन मानव के पद चिन्ह के निशान जो जमीन पर मिले हैं वो कौन सी गुफा में मिले हैं? तो दोस्तों वो मिले हैं कुआ देल कास्तीलो गुफा में, और ये गुफा कहाँ पे है? ये भी गुफा उत्तरी स्पेन में है। और यहाँ पर हाथों के लगभग 44 चित्र हैं दोस्तों, जिनमें से 35 तो है बाएँ हाथ के हैं और 9 दाएं हाथ के हैं। यहाँ पर 9 आना चाहिए था, वह लिख दिया है, तो ये मिस्टेक से है, तो यहाँ पर 9 आना था, तो 9 दाएं हाथ के निशान हैं। आगे चलते हैं, नंबर 7, तो हिमयुगीन मैमथ के समान एक पशु, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हिमयुगीन मैमथ के समान एक पशु, इसके लंबे रोम तथा बड़े दांत नहीं हैं, तो ये मैमथ न होकर एक हाथी होगा। इसके शरीर के मध्य लाल रंग का पान के आकार का चिन्ह है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और वहीं पर एक मछली और विशाल महिष की आकृति भी है इसी गुफा में, तो ये दोस्तों पिंडाल में है, पिंडाल गुफा में, जो उत्तरी स्पेन में है। आगे चलते हैं, देखते हैं, नंबर 8, अल्तामिरा गुफा के लगभग में कितने चित्र हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अंदर अल्तामिरा में कम से कम 150 चित्र हैं दोस्तों। यहाँ प्राय किस पशु का की चित्रण हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ प्राय महिष का जो है चित्रण ज़्यादातर हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चित्र है इसमें, लंबे कानों वाला एल्फ जाति का एक हिरण, ये भी अल्तामिरा में ही है अगर कभी पूछा जाए तो। आगे है, उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएँ अल्तामिरा गुफा में मिलती हैं। ये जो लाइनें हैं दोस्तों कई गुफा में मिलती हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन में अल्तामिरा है तो हम अल्तामिरा ही देंगे। आगे देखते हैं, कुआ देल कास्तीलो गुफा जो उत्तरी स्पेन में है, वहाँ पे क्या हुआ है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हिमयुगीन मानव के पदचिन्ह जमीन पर अंकित है और हाथों के लगभग 44 चित्र हैं, इसमें 35 बाएं तथा 9 दाएं हाथ के हैं। आगे चलते हैं, फर्श पर महिष और मछली के जो मिट्टी को काट कर बनाई गई है वो नियो गुफा में है, जो उत्तरी स्पेन में है। फर्श पर बनाए गए हैं दोस्तों, जो गुफा की मिट्टी से ही बनाए गए हैं, तो इस टाइप के जो चित्र हैं वो इसी गुफा में है,
जो इसी मिट्टी को काट के फर्श पे बनाए गए हैं। तो ये नियो गुफा में है उत्तरी स्पेन में। ये बुक है दोस्तों पुस्तक द लास्का केव पेंटिंग्स। ये बुक है दोस्तों किसकी है, तो ये है फेर्नांड विंडेल्स की, जो 1949 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी। आगे देखते हैं, फ्रांको कांताब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सी गुफा में है, तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर है लास्का गुफा, जिसकी खोज 1940 ईस्वी में हुई थी। आगे है वृषभों वाला कक्ष, ये किस गुफा में है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है लास्का गुफा में। या फिर लास्का गुफा में कौन सा कक्ष है जो प्रसिद्ध है, तो वो है वृषभों वाला कक्ष। किसी तरह भी से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो लास्का गुफा है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है दोस्तों। इसके अंदर और क्या चित्र है, इसके अंदर चार काले बैल जो 18 फीट की लंबाई में छत पर बने हैं। तो इसको ग्रेट हॉल ऑफ बोल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, वर्षमो वाले कक्ष को ग्रेट हॉल्स ऑफ बोल्स बोलते हैं। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चित्र है, वो है एक सींग वाला अश्व, यूनिकॉर्न जिसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो ये दीवार पर बने हैं चित्र, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये चित्र कहाँ बना है, फर्श पे, छत पे, दीवार पे या कहीं और। तो ये दीवार पर बना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। एक हिरण का चित्र भी अत्यंत प्रसिद्ध है यहाँ इस गुफा में, लास्का गुफा में, जिसकी ग्रीवा ही चित्रित है बस गर्दन। आगे देखते हैं उत्कीर्ण चित्रों की विधि, ये किस गुफा में है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है दोस्तों लास्का गुफा में, गैलरी ऑफ एनग्रेविंग। तो ये उत्कीर्ण चित्रों की विधि ये लास्का गुफा में है। इसके अलावा और चित्र वहाँ पर कौन से हैं, एक घायल वृषभ भाला लगने से मरणासन अवस्था में, ये चित्र है वहाँ पे। दूसरा चित्र है जो इम्पोर्टेंट है, वो है एक मानव आकृति जो पुरुष अकेटक जो पक्षी का मुखौटा पहने हुए है जमीन पर लेटा हुआ है, ये चित्र भी लास्का गुफा में है। आगे चलते हैं ला कम्ब्रेली गुफा, ये कहाँ है पूछा जा सकता है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है। यहाँ पर कितने चित्र हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 300 चित्र हैं, 300 के आसपास चित्रों की जो पहचान हुई है। यहाँ हाथी का चित्रण उत्तम है, तो इस गुफा में सबसे उत्तम चित्र कौन सा है, तो वो हाथी का है। या फिर हाथी का चित्रण सबसे उत्तम जो चित्रण है किस गुफा में हुआ है, तो वो ला कम्ब्रेली गुफा में हुआ है। उसके अंदर और इम्पोर्टेंट है ये, अश्वों की चार प्रजातियों का अंकन हुआ है, क्वेश्चन आ चुका कई बार, ये तीनों जो क्वेश्चन है दोस्तों आ जाते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, मानव आकृतियाँ पशु मुंड धारण किए हैं, जिसमें सर्वाधिक विशाल आकृति हाथी के मुकुट की पहने हुए हैं। देखो दोस्तों जो पाश्चात्य जो गुफाएं हैं उनके अंदर मोस्टली में इस प्रकार के चित्र मिले हैं पशु मुंड के, जो मानव आकृति पशु मुंड पहने धारण किए हुए हैं। तो हाथी का जो सबसे बड़ा मुकुटा है वो इसी गुफा में है, एक धाड़ी युक्त पुरुष भी वहाँ पर चित्रित है। आगे देखते हैं, आगे है लेत्राय फ्रेयर्स, जो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है ये गुफा। और इसके प्रवेश द्वार पर दो सिंह, दो शेर हैं, जो इसके मुख जो हैं आमने सामने हैं, सम्मुख किए हैं, और एक रक्षकों के रूप में है, एक रक्षक ये बिल्कुल प्रवेश द्वार के बाहर हैं दोनों तरफ आमने सामने मुख किए हुए, इम्पोर्टेंट है। एक घायल भालू है, शरीर पर अनेक छिद्र हैं जिसकी नाक से खून बह रहा है, इम्पोर्टेंट है। उल्लू की युगल, उल्लू की जो है एक जोड़ा है वहाँ पर, नर और मादा चित्रित हैं, तो ये ले त्राय फ्रेयर्स गुफा में है। एक और चित्र है वहाँ पर जो है महिष मुंड पहने हुए नृत्य मुद्रा में पुरुषाकृति, जिसके हाथ में वाद्य यंत्र है इस गुफा का, दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चित्र है। ऋषमानव, यह अद्भुत मानव आकृति जो 13 फुट ऊंचाई से समस्त गुफा पर दृष्टिपात करने की मुद्रा में है, ये सबसे ऊंचाई पे है इस गुफा में, सबसे बड़ी भी है। और दोस्तों इसकी जो आँखें हैं वो गुफा की तरफ हैं और पूरी गुफा को जैसे ये देख रही हो, उसके रक्षक के रूप में, इसको नाम दिया गया है ऋषमानव, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं,
लेटक द अडोबर्ट ये गुफा है दोस्तों। तो मिट्टी से निर्मित नर्मदा महिषा करती आकृतियाँ हैं इसके अंदर। ये भी दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है दोस्तों गुफा, और यहाँ मिट्टी से निर्मित नर्मदा महिषाकृति आकृति हैं, महिष आकृतियाँ हैं जो नर्मदा हैं दोनों। वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी है उनका जो ज़मीन पर लेटा हुआ है। आगे देखते हैं पेच मरले, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में ही बहुत सारी गुफाएं हैं दोस्तों, उन्हीं में से कुछ ये जो फेमस हैं जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हैं वही हमने ली हैं। तो पेच मरले दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है, इसका जो उत्खनन है वो 1920 से 22 तक हुआ है उत्खनन। इसमें दोस्तों 600 ज्यामितीय प्रतीक चिन्ह हैं, ज्यामितीय का ज़्यादा है इसके अंदर, 600 के लगभग मिले हैं। इसके अंदर 3 नारी आकृतियाँ दीवार पर उंगलियों द्वारा चित्रित की गई हैं, सिरविहीन मानवाकृति तथा 10 विशालकाय हाथियों को भगाते हुए लाल रंग की चट्टान पर काले रंग से चित्रण है। लाल रंग की जो चट्टान है उसके अंदर काले रंग में ये चित्रण हुआ है। इसके जो नीचे लाल रंग के बिंदु अंकित हैं, इनके नीचे चित्रों के नीचे लाल रंग के बिंदु भी अंकित हैं जो शायद खून का प्रतीक हों। आगे देखते हैं गरगाश गुफा जो उत्तरी पश्चिमी स्पेन में है। यहाँ 150 चित्र केवल हाथों द्वारा निर्मित हैं, ये इस गुफा की विशेषता है दोस्तों। इसके अंदर जितने चित्र मिले हैं 150 के आसपास, जो सभी जो हैं वो हाथों से निर्मित हैं गरगाश गुफा में। मॉन्टेस्पान गुफा उत्तरी स्पेन उत्तरी पश्चिमी फ्रांस में है, और यहाँ पर एक है सिरविहीन भालू की प्रतिमा, सिरविहीन भालू की प्रतिमा। आगे देखते हैं दोस्तों लोजफ गुफा, ये गुफा भी दोस्तों उत्तरी पश्चिमी फ्रांस में है। यह नारी आकृतियों के लिए विलक्षण है। तो इस गुफा की विशेषता क्या है, नारी आकृतियाँ इसकी विशेषता है, और नारी आकृतियाँ जो संभवतः किसी देवी की होंगी, क्योंकि उसके दाएं हाथ में महिष का सींग तथा बाएं हाथ फैला हुआ है। अन्य 3 नारी आकृतियाँ भी हैं इसके अंदर तथा 1 पुरुषाकृति भी है। तो इसके अंदर ये जो नारी आकृति है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी देवी की आकृति मानी गई है। आगे चलते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पेज के ऊपर सारे ही देखते हैं। ये है नरसिंह की ये मूर्ति है दोस्तों, लाइन हुमेन, जो जर्मनी से प्राप्त हुई है। इसकी ऊंचाई 115.8 इंच है। इम्पोर्टेंट है ये भी, मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट हैं इनके बारे में डिटेल्स में भी वीडियो बना रखे हैं एक एक क्वेश्चन के लिए, नरसिंह के नाम से है। आगे देखना विलेंडोर्फ की नारी आकृति, इस नाम से भी एक अलग क्वेश्चन है दोस्तों। तो विलेंडोर्फ की नारी ये ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुई है, जो 43.8 इंच जो है ऊँची है, 43.8 इंच ऊँची है। इसे विलेंडोर्फ की वीनस भी कहते हैं। आगे चलते हैं नंबर 24, ये भी इम्पोर्टेंट है, वुमेन्स हेड फोम ब्रासेम्पोई, ये नारी का सिर है। ये मूर्ति दोस्तों ये फ्रांस से प्राप्त हुई है, जो 11.4 इंच की है, 11.4 इंच ऊंची है ऊंचाई है जिसकी। आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई मिल जाता है हमें एग्जाम में। विनस ऑफ लेस्पांग ये दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस से प्राप्त हुई है। ये 53.4 इंच ऊंची है, 53.4 इंच ये ऊंची है। तो आगे देखते हैं 26 क्वेश्चन, घायल महिष आकृति, ये 4 इंच ऊंची है, ये दक्षिणी मध्य फ्रांस की मूर्ति है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है चित्र है, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी है। गर्भवती स्त्री तथा हिरण की आकृति, और दोस्तों ये जो हिरण है ये गर्भवती आकृति जो स्त्री है उसके ऊपर खड़ा है दोनों तरफ पैर किए हुए, इसकी रक्षा करते हुए शायद दिखाया गया है इसको। तो ये पत्थर की बनी हुई टुकड़ों पर है, ये फ्रांस से प्राप्त हुई है दोस्तों। आगे टोटम क्या होता है, कबीले के जो चिन्ह है उसको टोटम बोलते हैं। आगे है नर नारी दोनों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो एल केरो फेलियो जो केटालानिया में लरिडा के निकट है, ये कोई जगह के नाम है दोस्तों।
तो ये वहाँ से मिला है, नरनारी की दोनों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये स्पेन में ही कोई जगह है दोस्तों, आगे देखते हैं। स्पेन से ही है ये दो तीन चित्र हैं जो नर नारी धार्मिक नृत्य में ली। ये अड्यूरा में है जो स्पेन से प्राप्त हुआ है। अड्यूरा जगह का नाम है। आगे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बारहसिंगा के सींग से बना एक भाला, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी है डिटेल्स में, 2 या 3 मिनट का है शायद। तो वो लेमास द आजिल से प्राप्त हुआ है जो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है। आगे चलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तर से यानी पत्थर का बना हुआ दीपक, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी है जो फ्रांस की लामूत कार्वेन गुफा से हमें प्राप्त हुआ है। 2-3 मिनट का वीडियो है, डिटेल्ड में है। आगे देखते हैं मेन हीर क्या होता है। ये एक विशाल प्रस्तर होता है दोस्तों जो चारों तरफ से तराशा जाता है, जो हमें प्राप्त हुए हैं वो लगभग 4 या 5 फुट के एक समान पत्थरों को काट दिया जाता है और किसी कब्र के ऊपर जो इसको गाड़ा जाता है या फिर वैसे किसी स्मारक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, तो ये मेन हीर बोले जाते हैं। आगे इसी मेन हीर से कल्पना हुई किसकी, नारी की मेन हीर प्रतिमा, तो वो दक्षिणी फ्रांस में है। ऊंचाई लगभग 33 इंच यानी कि 85 सेंटीमीटर के आसपास है। नारी की मेन हीर प्रतिमा ये कहाँ से मिली है, दक्षिणी फ्रांस से, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्रोमलेक्स, स्टोनहेंज या फिर अलाइनमेंट्स, ये तीनों एक ही चीज़ हैं दोस्तों जो इंग्लैंड से प्राप्त हुई है। मेन हीर गृह निर्माण भी कहते हैं, यानी कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसकी पिक्चर भी दिखाई है। इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से पत्थरों को एक चक्कर में गाड़ दिया जाता है और वो क्या यूज होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है अलग से। तो 13 पंक्तियों में मेगालिथ्स, ये फ्रांस के मेनेक नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। 13 पंक्तियों में मेगालिथ्स ये फ्रांस के मेनेक नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। आगे है, मिश्रण सेरामिक की बनी नर नारी आकृति, तो मिश्रण सेरामिक कैसे तैयार होता है एक अलग से वीडियो है, अलग से क्वेश्चन है, तो उसको हम उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो इससे नर नारी की आकृति सेरामिक से 4.5 इंच जो है 11.5 सेंटीमीटर होता है, इतनी ऊंची है वो। तो आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य रथ, हॉर्स एंड द सन गॉड, ये कांस्य की बनी हुई मूर्ति है जो 1800 से 1600 ईस्वी पूर्व की है, जो डेनमार्क से हमें प्राप्त हुई है। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, मैं हर क्वेश्चन के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ताकि किसी को ढूंढने में मुसीबत ना हो, जैसे ही वो टाइप करते हैं तो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो नंबर 38, चार पहिए वाली गाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुई है, जो कांस्य की है, 7000 ईसा पूर्व की है। सोने से निर्मित मुकुट दोस्तों ये रोमानिया से प्राप्त हुआ है, 4000 ईसा पूर्व का है। चांदी की प्रतिमा ये डेनमार्क से प्राप्त हुई है और कुछ अन्य मूर्तियाँ भी हैं जो वहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ये जानकारी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।